शुक्रिया, मेहरबानी। ये एक्चुअली मेरा एक दोस्त है, शुक्रिया झकास बोलने के लिए। अनिल कपूर जैसी मुझे रखी तो अपने आप आपके मुंह से झकास निकल रहा है। मैं पाजी इसलिए आज सजा दजा हुआ हूँ, बिकॉज आज हमारे यहाँ पे मिनिस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले आ रहे हैं। अच्छा, और आपको तो पता है इस बुक में नाम देने के लोग कैसे कैसे रिकॉर्ड बनाते हैं। एक आदमी ने पिछले दिनों लगातार 5 मिनट बोलने का रिकॉर्ड बनाया। अब आप सोच रहे होंगे कि 2-2 घंटे तो मैं ही बोलता हूँ, तो आदमी ने 5 मिनट बोल के क्या रिकॉर्ड बनाया। वो आदमी लगातार बिना रुके 5 मिनट अपनी बीवी के सामने बोलता रहा। उस आदमी के लिए जोरदार तालियां। तालियां तो हो गई, अब 2 मिनट का मौन उसी व्यक्ति लिए, बिकॉज ही इज नो मोर। भाई लोग अजीब अजीब रिकॉर्ड बनाते हैं। पिछले दिनों मैंने देखा यूरोप में एक आदमी पूरा का पूरा हवाई जहाज खा गया। आप इंटरनेट पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा पूरे का पूरा हवाई जहाज। मैंने अमेरिका में उससे मिलने का मौका मिला, मैंने कहा भाई साहब आपने हवाई जहाज खा लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? कहते कुछ खास तो नहीं, लेकिन जिस दिन कमोड में बैठा ना तो हवाई जहाज की लैंडिंग के टाइम बड़ी प्रॉब्लम हुई। कहता इधर हवाई जहाज लैंड हुआ, उधर मैं टेक ऑफ हो गया, और टेक ऑफ करते करते उसने पूरा रनवे बना दी। अच्छा, हवाई जहाज खाना भी कोई रिकॉर्ड हुआ? मैं तो बहस होती अंग्रेजों से, मैंने कहा क्या है ये हवाई जहाज खाला। मैं कहा हमारे देश में आओ, इतने टैलेंटेड लोग हैं, चारा, सरकारी अस्पताल, बड़े बड़े पुल, एक सेकंड में खा जाते हैं, आज तक कभी क्रेडिट नहीं लिया। कभी घमंड ही नहीं किया आज तक। आप ये तो चीजें छोड़ो, एक और मैंने देखा कहीं, तो अफ्रीका में एक आदमी ने अपनी आंखें यहां तक निकाल ली बाहर। मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात हुई, अपनी आंखें तो कोई भी निकाल लेता है। हमारे यहां पे इतने इतने टैलेंटेड लोग हैं, सामने वाले के गुर्दे, किडनी, फेफड़े, पता नहीं क्या क्या निकाल लेते हैं, लेकिन कभी घमंड नहीं किया। और सामने वाली पार्टी को पता भी नहीं चलने देता कि उसका क्या क्या सामान निकाल लिया है। पिछले दिनों एक आदमी ने एक्सरे करवाया। हाँ। एक्सरे में देखा तो सामने किडनी में पत्थर था। अच्छा, डॉक्टर कहता निकाल देते हैं। उसका ऑपरेशन किया, उसके बाद दोबारा एक्सरे किया, पत्थर वही था, किडनी गायब थी। विदेश में एक आदमी ने सबसे लंबी किस करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं मानता नहीं हूं। नहीं, बनाया है उसने, लेकिन मैं सोचता हूं कि यार जिसको चांस मिलेगा वही बनाएगा ना। इंडिया में टैलेंट की कमी है? आप इमरान हाशमी को मौका देके देखो। वो तो मजबूरी है उसकी कि फिल्म 2.5 घंटे की होती है। मैं कहता हूं फिल्म हो ना 6 महीने की, उसकी चुम्मी अगर 5.5 महीने से पहले रुक जाए तो मेरा नाम बदल जाए। खैर पाजी, यहां पे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको ये लगता है कि हम में कुछ खास क्वालिटी है, हम भी रिकॉर्ड्स बना सकते हैं। सो ऐसा कोई मेरा दोस्त यहाँ पे है तो वो खड़े हो सकते हैं। यस मैम, नमस्कार जी। मेरे हस्बैंड जो है ना, उनको भूलने की बहुत बड़ी बीमारी है, दुनिया के सबसे बड़े भुलक्कड़ है। तो मुझे आपसे ये पूछना है, उनका रिकॉर्ड कोई बन सकता है क्या भूलने के मामले में? आप याद रहती हैं उनको? नहीं मतलब क्या 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 भूलते क्या है वो? काफी कुछ भूलते हैं, जैसे खाना दे दिया। अच्छा। तो अगर मैं प्लेट गलती से अंदर ले गई किचन में। हाँ। तो वापस खाना मांग लेते हो, तो इसके लिए जब दोपहर का खाना देती हूँ रात तक प्लेट लेती नहीं हूँ मैं वहां से। गलती से चाय पिया और मैंने कप प्लेट ले लिया अंदर, तो वापस चाय बनानी देनी पड़ती है मेरे को। वो भुलक्कड़ है के भुक्कड़ है? और क्या क्या भूल जाते हैं? और सवेरे जब जाते हैं कार की चाबी तो कभी साथ में लेके नहीं जाते, मतलब इतनी स्पीड से जाते कार की चाबी छोड़ जाते हैं। हाँ। उनको कितनी जल्दी रहती भागने की आपसे? गाड़ी की चाबी भी नहीं लेके जाते, बंदा कहता है मैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। हेलो सर। हाय सर, I'm Seema Jagyasi from Ulasnagar. Jagyasi. Yeah. Jee, I'm Seema great ji. Fan of yours. Thank you, Seema ji. मुझे ये बोलना था कि मेरे अंकल जो हैं, उन्हें चम्मच कलेक्ट करने का बहुत शौक है, तो वो जिस भी होटल में जाते हैं ना तो सारे चम्मच कलेक्ट करके घर लेके आते हैं। तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा घर में वैरायटी चम्मच की उन्हीं के घर है। अच्छा, तो आप चाहती कि उनका भी रिकॉर्ड बने? रिकॉर्ड बन जाए, मुझे लगता है उनका रिकॉर्ड बनना चाहिए। पुलिस रिकॉर्ड? चम्मच कलेक्ट, चम्मच की वैरायटी का रिकॉर्ड उनका तो पुलिस रिकॉर्ड ही बन सकता है। मतलब होटल में जाते हैं वहां से भी चम्मच ले आते हैं? सब टाइप्स के, फोक, बटर, सब जो भी होते हैं सब लेके आते हैं। नहीं, ऐसा किसी को कहना नहीं चाहिए, आप किसी पब्लिक प्लेस पे नहीं आपको बोलना चाहिए ये सब चीजें, क्योंकि मुझे खुद तौलिए। नो सर। नहीं नहीं, कुछ रिकॉर्ड। आप क्या करती हैं वैसे सीमा जी? सर मैंने अभी पढ़ाई कंप्लीट कर दी अपनी। क्या क्या पढ़ाई में? बीकॉम ग्रेजुएट। बीकॉम रेगुलर और प्रोफेशनल? अरे सच्ची में होती है अनपढ़ लोगों।
सीरियसली कौन से सब्जेक्ट पे किया आपने बीकॉम? कॉमर्स। कॉमर्स में? कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट? बीकॉम मीन्स कॉमर्स ओनली, मतलब एमकॉम बीकॉम में? ध्यान से सोच लो, बीकॉम ही किया कि मैट्रिक किया? अभी अभी खत्म किया, अभी भी भूल गए आप? नो सर, इकोनॉमिक्स है। अच्छा, फाइनेंस है। अच्छा, तो और बैंक इंश्योरेंस के सब हैं, बैंकिंग इंश्योरेंस। तो उसके बाद किस लाइन में जाना चाहती हैं आप? अभी एमकॉम। अच्छा, अभी और पढ़ना है? हाँ। फिर उसके बाद? उसके बाद बस। अगर बस ही करें तो बीकॉम के बाद ही कर लो, एमकॉम के बाद बस। कुछ विदेशी गेस्ट भी आए हुए हमारे, फर्स्ट रो में बैठे सेंटर में, उनको कुछ नहीं समझ आ रहा पर एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा भला उनको ना थपथपा के आपने शो कर दिया कि मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, चुप रहते, किसी को पता भी नहीं चल रहा था। तो फिर एम कॉम करके बस करनी है? तो एम एस सी की होती तो फिर आप ऑटो करती? मतलब उसके बाद क्या करना है फिर? एम कॉम के बाद घर बैठेंगे आप, कुछ तो करेंगी ना आप? नहीं, टीचर बनूंगी। टीचर बनेंगी, वही जो पढ़ा है दूसरों को पढ़ाएंगी। ये अच्छी बात है भाई, ये मुझे अच्छा लगा। तो टीचर बनेंगी आप, उसके बाद शादी वादी नहीं करनी? सर चल रही है, बात चल रही है। शादी मतलब होती है कि होने वाली है या हो चुकी है? चल रही क्या मतलब, दूल्हा निकल चुका बारात लेके? इसका मतलब तो यही हुआ कि दूल्हा निकल चुका है, घोड़ी कमजोर है, धीरे धीरे आ रहे हैं। सीमा जी कैसा लड़का चाहिए आपको जब शादी करेंगे आप? आपके जैसा। वाह। As it is, आपके जैसा। थैंक यू सीमा जी, थैंक यू शो में आने के लिए। भगवान आपके सारे सपने पूरे करे। मैं आ जाता हूँ, मैं सीमा जी, शुक्रिया। थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त भाई बंधु जिनको ये लगता है? जी आओ ऑरेंज। मेरा नाम अक्षय। अक्षय, कम ऑन अक्षय। सर मुझे नहाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। वो तो लग ही रहा है। अगर इसमें रिकॉर्ड बनाने की कोई बात हुई तो मैं कई सालों तक बिना नहाए रह सकता हूँ। कई सालों तक बिना नहाए रह सकते हो रिकॉर्ड बनाने के लिए? इससे रिकॉर्ड नहीं बनेगा, इससे 2-2.5 किलो मैल बनेगी। हद हो गई यार। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, इससे रिकॉर्ड बने ना बने, इससे आपको फायदे बड़े होंगे। आप लोकल ट्रेन में जाएं, कितनी भीड़ हो, लोग आपको रास्ता जरूर देंगे कि भाई इसको पहले जाने दो यार। और बड़े फायदे हैं, आप कीड़े वाला अमरूद खा सकते हैं क्योंकि कीड़ा तो आपकी स्मेल से ही भाग जाएगा। आप आधा अमरूद खा के रख भी सकते हैं, पता है, क्योंकि उसमें कीड़े आएंगे नहीं, वो पहले वाला कीड़ा बता के जाएगा, इसका कीड़ा मत, ये अक्षय का अमरूद है, इसको मत खाना। अक्षय वैसे करते क्या हैं आप? कॉलेज स्टूडेंट हूँ। कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं? न्यू इंग्लिश जूनियर कॉलेज। क्या नाम बताया? न्यू इंग्लिश जूनियर कॉलेज। आराम आराम से बोलो। इतना जल्दी को बोल रहे, नहाने जाना थोड़ा। न्यू इंग्लिश जूनियर कॉलेज। न्यू इंग्लिश जूनियर कॉलेज? जी। न्यू इंग्लिश मतलब कैसे? सॉरी की जगह मोरी बोलते हो, क्या बोलते हो? चलिए खैर, अक्षय भगवान आपको ऐसे तो ना रखे जैसा आप आजकल है, नहाया करिए रोज। अभी तो चलो 1-2 दिन है, लेकिन आसपास जो लोग बैठे हुए हैं, आंटी वो अभी से मुंह बंद कर रही हूँ। आपको स्मेल आ रही इनसे? नहीं आ रही? आपका नाक बंद हो रहा है। और कोई हमारे दोस्त जिनको लगता है कि उनमें बड़ी खास खूबी है, जैसे अक्षय जी में है? माई नेम इज जीरेन द्विवेदी। जी, मेरे 25 साल हो गए शादी को। हाँ जी। अभी तक बीवी से झगड़ा नहीं हुआ मेरा। मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ कि नहीं? ध्यान से देखिए चेहरा। झूठ बोल के समाज को गलत संदेश देने वाला ये प्राणी नौजवानों को बरगला रहा है। ऐसे आदमी विश्व शांति के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं।